मात श्री नर्मदे हर। माँ नर्मदा की निराली है महिमा और उन्हीं की तरह निराले हैं उनके भक्त। माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रहे भक्तों में तरह तरह के लोग शामिल होते हैं जिनका अपना अलग संकल्प होता है और वे परिक्रमा के दौरान उस संकल्प का पूरे मनोयोग से पालन करते हैं। कोई फलाहार के सहारे ही परिक्रमा कर रहा होता है तो कोई एक समय भोजन के संकल्प का पालन करता है, कोई नंगे पैर परिक्रमा करता है तो कोई वाहन के सहारे ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन कर रहा होता है। हमने वाहन और पैदल परिक्रमा करते तो हजारों लोगों को देखा, लेकिन इन दिनों दो ऐसी विभूतियां नजर आईं जो दंडवत होते हुए अपनी परिक्रमा को पूरा कर रहे हैं। इनमें से एक संत इन दिनों मधुपुरी मार्कंडेय आश्रम पहुंचे हैं, जो रोजाना 3 किलोमीटर अपनी परिक्रमा दंडवत प्रणाम करते हुए पूरा कर रहे हैं। दूसरी एक माता जी हैं जो नर्मदा की अखंड ज्योति के साथ परिक्रमा कर रही हैं। ये माता जी की 3री नर्मदा परिक्रमा है। 2 बार वे पैदल परिक्रमा कर चुकी हैं। माँ नर्मदा के आशीर्वाद से ही सर्पदंश के बाद न केवल इनकी जान बची बल्कि जो दिमागी संतुलन उन दोनों बिगड़ा था उससे भी इन्हें निजात मिली। लिहाजा ये माता जी अब दंडवत रूप से माँ नर्मदा की परिक्रमा कर रही हैं। स्वामी देव स्वरूपानंद जी जो इन दोनों स्वयं नर्मदा परिक्रमा में हैं, इन्होंने सागर तट के समीप इन माता जी से बात की। आइए सुनते हैं इन दो महान विभूतियों का वार्तालाप। और आज हम 70वें दिन की परिक्रमा में यहाँ पहुँचे हैं बिमलेश्वर, जो नर्मदा जी का रेवा सागर संगम है, दक्षिण तट है। वहाँ एक दिव्य और अद्भुत दर्शन योग्य माता जी के दर्शन हुए हैं, जो नर्मदा परिक्रमा को पैदल ना करते हुए दंडवत करते हुए जा रही हैं। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं माता जी के, आपको मिलवाते हैं माता जी से, दर्शन आशीर्वाद लेते हैं। जी नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर, दंडवत प्रणाम। मैया कितने दिन हो गए आपको परिक्रमा? 1.5 साल हो गया। ओंकारेश्वर के पास धावड़िया गांव है, वहां से मैंने परिक्रमा उठाई है, दंडवत परिक्रमा। तो कितने समय की परिक्रमा है आपकी ये दंडवत परिक्रमा? ये तो अभी भरोसा नहीं है, पर 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया है। अभी कितने दिन लगेगी इसका भरोसा नहीं। तो आपको ये साहस और ये हिम्मत कहाँ से आई? लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, वाहन से करते हैं, आप तो दंडवत करने के लिए वो भी मात्र शक्ति के रूप में, इतनी हिम्मत कैसे आपको प्राप्त हुई? ये तो मैया जी की कृपा हो गई, मैंने मेरे जान मैया जी ने बचाई। मुझे सांप ने काटा था, मेरा दिमाग सही नहीं था तो मैं बाहर निकल गई। कम से कम 18 साल हो गए बाहर निकल गई, तो जब से मैंने अभी परिक्रमा में लगी हूँ, इधर उधर रही कुछ दिन। 2 परिक्रमा पहले हो गई पैदल और ये 3री परिक्रमा दंडवत चालू है। अब ये परिक्रमा मैया जी की कृपा से मैं कर रही हूँ। जी देखिए माता जी के दर्शन यहाँ हुए हैं हमें आज, और यहाँ की एक अद्भुत बात और बताएं आपको कि माता जी की परिक्रमा के दौरान अखंड ज्योति का भी दर्शन है। निरंतर 24 घंटे लगातार घी का दीपक जलता है यहाँ, और नर्मदा जी का बड़ा ही दिव्य दर्शन है, महादेव जी का दर्शन है, और पूजा पाठ इत्यादि के साथ में माता जी अकेले ही दंडवती परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ रही हैं। और कल समुद्र को पार करेंगे, देख एक बार आपको परसों सोमवार को पार करना है, तो एक बार दिखा देते हैं माता जी का ये रथ किस तरह से बनाया हुआ है और पूरी परिक्रमा को किस तरह से सजोया हुआ है। ऐसे दिव्य महान विभूतियों के दर्शन नर्मदा परिक्रमा में होते हैं, जो दंडवत भी करते हैं, पैदल भी करते हैं, वाहन से भी करते हैं। आइए दर्शन करें और दूसरे को भी कराएं। नर्मदे हर।